अगस्त 1953 को कृषक क्रांति के नक्षत्र धूमकेतु की तरह अपनी छटा बिखेर कर बिलकते हजारों साथियों और अनुयायियों को छोड़कर बलदेव राम जी मिर्धा इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। महान स्वतंत्रता सेनानी किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्धा ने मारवाड़ रियासत में पुलिस विभाग के DIG पद से इस्तीफा दिया और किसान कौम के लिए जो काम किया उसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। 1. शिक्षा प्रसार के लिए रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी के आह्वान पर 1925 में पुष्कर में अखिल भारतीय जाट महासभा के सम्मेलन का आयोजन। 2. 1927 बसंत पंचमी के दिन किसानों के बच्चों के लिए आजीवन किसान छात्रावासों का शुभारंभ। 3. सेटलमेंट एक्ट के तहत किसानों को कृषि भूमि का मालिकाना हक दिलाना। 4. लाल बाग बैट बैगार ऊंच नीच जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन करने में सक्रिय योगदान। 5. किसान सभा की स्थापना। 6. कृषक समाज में आजाद भारत का स्वाभिमान व जोश पैदा करना तथा जागीरदारी प्रथा को खत्म कराने में मुख्य योगदान। 7. देश की रक्षा करने वाले फौजी जवानों को सहयोग। 8. किसान समुदाय में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास किया तथा अनेक किसान छात्रावासों का निर्माण करवाया। 9. सबसे बड़ी बात यह थी कि किसान वर्ग में पनप रही छुआछूत जैसी अमानवीय बीमारी को खत्म करने के लिए अभियान चलाया। वे जाटों द्वारा निर्मित छात्रावासों का नाम बदलकर किसान छात्रावास करके SC ST व अल्पसंख्यकों के बच्चों को साथ पढ़ाना। 10. सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने पश्चिमी राजस्थान के किसानों को सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक व राजनीतिक रूप से जागरूक कर दिया जिसका परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। युवा पीढ़ी ऐसे महान युग पुरुष द्वारा बताए गए रास्तों का अनुकरण करे जिस कृषक क्रांति व SC ST व अल्पसंख्यकों के मजबूत गठजोड़ का बीजारोपण वो करके गए थे उसे पुष्पित व पल्लवित करने की दिशा में कार्य कर महान आत्मा को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करे। मारवाड़ में सामाजिक शैक्षणिक और राजनीतिक क्रांति के जनक महान स्वतंत्रता सेनानी व किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्धा को कोटि कोटि नमन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।